जी बच्चों, आज आप सीखेंगे एक्सरसाइज 3B क्वेश्चन नंबर 1। चूज द करेक्ट आंसर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन 1 में हम चूज करेंगे करेक्ट आंसर्स। तो पहले इसका ए पार्ट में देखें, लिखा हुआ है 1/7 प्लस 3/7 इक्वल ब्लैंक। अब इस ब्लैंक में क्या आंसर आएगा वो हम इनमें से सिलेक्ट करेंगे। जो आंसर करेक्ट होगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को प्लस करेंगे, 1/7 प्लस 3/7। इनको प्लस करेंगे तो ऊपर वाले नंबर हम प्लस करेंगे 1 प्लस 3, नीचे कॉमन आ जाता है नंबर, 7 कॉमन आ जाएगा। लिखेंगे 1 प्लस 3, क्योंकि ऊपर वाले नंबर प्लस होते हैं, नीचे वाले नंबर प्लस नहीं होते, डिनोमिनेटर वो हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं, ये सेम है तो कॉमन आ जाएगा 7। अब इनको प्लस करेंगे तो 1 प्लस 3 4, 4 आ जाएगा ऊपर और नीचे 7 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? 4/7। अब हम 4/7 सेलेक्ट करेंगे, ये देखें 7/4 ये भी नहीं, 4/14 ये भी नहीं, ये ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है 4/7। अब इसी तरह हम ये बी पार्ट करेंगे, लिखा हुआ 4/5 प्लस ब्लैंक इक्वल 7/5। अब इस ब्लैंक में क्या आएगा वो हम इनमें से सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे पहले देखें, ऊपर 4/5 प्लस 4/5 में क्या प्लस होगा तो 7 बन जाएगा, 7/5। अब इस 4/5 में सिर्फ ऊपर वाले नंबर में ही प्लस होगा, 4 में क्या प्लस होगा तो 7 बनेगा, 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 बन जाएगा, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 3। जी यहाँ ऊपर 3 आ गया, क्योंकि 4 प्लस 3 करेंगे तो फिर ही 7 बनता है, ये ऊपर 7 है तो नीचे कॉमन आता है। अब नीचे ये भी 5 है तो इसके नीचे भी 5 आ जाएगा। अब ये देखिए 4 प्लस 3 7, अब 5 इधर भी 5 नीचे, इधर भी 5 नीचे, तो 5 ये कॉमन आ जाता है, 7/5 आंसर ये फिर बनता है। अब ये इस ब्लैंक में आंसर आएगा 3/5। अब ये 3/5 हम सेलेक्ट करेंगे, ये फर्स्ट ऑप्शन, ये हम चूज़ करेंगे। अब ये देखें सी पार्ट, सी पार्ट में लिखा हुआ है 2/3 माइनस 1/3, ये भी हम उसी तरह ही करेंगे, सिर्फ ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स सॉल्व होंगे और नीचे वाला कॉमन आ जाएगा, 3 इधर भी 3 इधर भी 3, 3 कॉमन आ जाएगा, ऊपर 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 1/3। अब ये देखें इसका आंसर है 1/3। अब ये हम सेलेक्ट करेंगे 1/3, ये फर्स्ट ऑप्शन है 1/3, ये चूज़ करेंगे। अब ये डी पार्ट में देखें, लिखा हुआ है डैश प्लस 6/9 इक्वल 11/9। अब ये क्या प्लस होगा 6/9 में तो बनेगा 11/9। अब इसमें भी हम ऊपर वाले नंबर में ही प्लस करेंगे, 6 में क्या प्लस करेंगे तो ये 11 बनेगा, 6 में 5 प्लस करेंगे तो यहाँ हम ऊपर लिख देंगे 5। अब ये देखिए ऊपर 5 आ जाएगा तो नीचे 9 ही रहेगा, इसके नीचे 9 आएगा। अब ये देखें 5/9 प्लस करेंगे 6/9 में तो फिर ये 11/9 बन जाएगा, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा 5/9। अब ये 5/9 हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ 5/9, ये चूज़ करेंगे। अब ये ई पार्ट में देखें, लिखा हुआ 5/9 माइनस डैश इक्वल 1/9। अब ये 5/9 से क्या माइनस करेंगे तो ये 1/9 होगा, ये भी हम ऊपर वाले नंबर से ही माइनस करेंगे, 5 से क्या माइनस होगा तो 1 आएगा, 5 से 4 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, अब नीचे 9 ही आएगा। अब इनको माइनस करके देखें, 5/9 में से 4/9 माइनस करेंगे तो फिर ये 1/9 आ जाएगा, तो इस ब्लैंक में 4/9 ही आएगा। इसी तरह फ्रैक्शन में प्लस हो या माइनस हो तो वो हम सिर्फ ऊपर वाले नंबर ही सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं या माइनस, नीचे जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो हम प्लस या माइनस नहीं करते, वो कॉमन आते हैं, जैसे ये 9 भी ये भी 9, ये नीचे 9 कॉमन आ जाता है, यानी कि एक ही 9 आता है। अब ये इसका आंसर है 4/9, ये चूज़ करेंगे। अब ये एफ पार्ट में देखें, लिखा हुआ 1/7 प्लस 3/7 प्लस 3/7। अब इस पार्ट में 3 फ्रैक्शन हैं, इन तीनों को भी हम उसी तरह ही प्लस करेंगे जैसे 2 को करते हैं, इसमें भी ऊपर वाले नंबर हम प्लस कर देंगे, 1 प्लस 3 प्लस 3, तो नीचे तीनों सेम नंबर हैं तो 1/7 आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा। अब ये देखिए ऊपर वाले नंबर इस तरह से प्लस होंगे, 1 प्लस 3 प्लस 7 सॉरी 3, और नीचे 1 ही 7 आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तीनों के तो कॉमन आता है। अब इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 3 7, ऊपर 7 आ जाएगा नीचे भी 7 आएगा, तो इसका आंसर क्या है 7/7, ये लास्ट ऑप्शन है 7/7।